वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम डी आर एक्स विकास एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। बाकी हम देख रहे हैं कि यूपी जीएनएम नर्सिंग 2024 के प्राइवेट कॉलेजों में जिन बच्चों ने एडमिशन्स ले लिया है उनको क्या करना होगा और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अब क्या करें उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैंने कमेंट्स देखे थे, बहुत से बच्चों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर हमने प्राइवेट में कॉलेज एडमिशन ले लिया है, ठीक है, हमारे क्या होगा, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमें कोई फॉर्म तो नहीं भरना पड़ेगा। तो मैं सभी कमेंट्स को देखकर मैंने आपके लिए यह वीडियो रखा है। आज ये बहुत ही स्पेशली वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्या क्या कैसे कैसे आपको करना होगा, ठीक है। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अब उनको क्या करना होगा उनके लिए भी मैं इसमें इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने कमेंट्स देखे थे, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं वन बाय वन किसी का मतलब ऐसे रिप्लाई नहीं दे पाता हर किसी का, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। आप भी जानते हो इस बात को कि अगर कमेंट्स का रिप्लाई करना बैठे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराया जिन स्टूडेंट्स ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया उनको क्या करना होगा, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनको क्या करना होगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वन बाय वन प्रोवाइड कराऊंगा। भाई एक बार तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और आप अगर हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन सारी न्यूज आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, वहां से जो भी हमारे पास में न्यूज नोटिफिकेशन जो भी अपडेट हमारे पास में आती है हम तुरंत वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं। हो सकता है हमें कभी कभी क्या टाइम लग जाता है तो हम वीडियो बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम जल्दी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे बच्चों के साथ में शेयर कर देते हैं। इसलिए आप अगर टेलीग्राम नहीं जुड़े हो हमारे साथ में तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं वन बाई वन हमारे टॉपिक्स की तरफ। सबसे फर्स्ट तो मैं बात करूंगा जिन बच्चों ने प्राइवेट में एडमिशन ले लिए हैं उनको क्या करना होगा। देखिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि है ना आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा आपका अगर एडमिशन हो गया है, ठीक है, आपको वहां से एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आपका एडमिशन जहां पे हो चुका है वहां पे भाई आपका एडमिशन सिक्योर है। जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है प्राइवेट में आप उनका एडमिशन वहां पे सिक्योर है, वहां पे कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि आपको है ना वहाँ से कॉलेज से पूरी जो अपडेट होती है ना डे बाय डे, यानी आपको रोज़ की अपडेट वहाँ से लेनी होगी, दो दिन में चार दिन में आपको अपडेट वहाँ से लेनी होगी, क्योंकि कॉलेज वाले प्राइवेट कॉलेजों में ये कभी भी एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक बच्चे का कमेंट देखा था मैंने, वो बोल रहा था सर कॉलेज में तो एडमिशन मई से चल रहे हैं, आप बता रहे 1 अगस्त से। भाई INC के थ्रू जो एडमिशन्स है ना, INC के थ्रू वो एडमिशन सेशन है ना वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, है ना। अब वो प्राइवेट कॉलेज वाले, भाई प्राइवेट कॉलेज वालों का फंडा कैसा होता है आप लोग जानते हो, प्राइवेट कॉलेज वालों में है ना इनमें 12 महीने लगातार 12 महीने एडमिशन चलते हैं। मैं खुद फार्मेसी करके आया था ना, तो मैंने एडमिशन अगस्त में लिया था, तो अगस्त में हमको दिसंबर में जाकर भी यही बोला गया था कॉलेज से कि भाई दो सीटें रह रही है, और एंड में मार्च तक एडमिशन हुए, यानी कि प्राइवेट कॉलेजों में तो एडमिशन लेते रहते हैं ये, प्राइवेट कॉलेजों में तो आप तब चले जाओगे ना तब भी आपको एडमिशन दे देंगे, बाकी सेशन इनके अकॉर्डिंग ये स्टार्ट करते हैं। कब भी आपको जैसे भी क्लास स्टार्ट होंगी तो आपको कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो भाई जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है प्राइवेट में, उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, उन स्टूडेंट्स को कॉलेज से अब इन्फॉर्मेशन लेती रहनी होगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेने से उनकी जब भी क्लास होगी तो भाई वहाँ से अपडेट आपको मिलती रहेगी, वहाँ से आप अपना एडमिशन कैंसिल ना करवाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाओगे प्राइवेट कॉलेज से तो आपको फीस पूरी रिटर्न नहीं देंगे वो लोग, प्राइवेट कॉलेज वाले आपको फीस रिटर्न नहीं देंगे, आपके 20-30 हज़ार रुपये काट लेंगे, आपकी फर्स्ट किस्त वो रख लेंगे आप अगर एडमिशन कैंसिल करवाओगे तो। प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कॉलेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पे आपका एडमिशन है वहाँ पे आपका एडमिशन सिक्योर है, ठीक है, वहाँ पे आपका एडमिशन सिक्योर है। बस इतनी सी और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कॉलेज में ऐसी कोई कमी मत आने देना कि आपकी वजह से कॉलेज वालों को एडमिशन कैंसिल करना पड़ जाए। कैसे करना पड़ जाए सर हमें ये बताइए, अब आप क्वेश्चन करोगे, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कैसे करेंगे कि जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे उनकी फर्स्ट किस्त है वो जमा हो गई, ठीक है, अब उनका एडमिशन है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा 90,000 रुपए में एडमिशन है, कितने में, 90,000 में एडमिशन है, तो आप देखिए 90,000 में एडमिशन है तो भाई उनको अगर कोई दूसरा बंदा जाके वहां पे 1.5 लाख रुपए दे देगा ना, कितने, 1,30,000 आपका एडमिशन हुआ था 90,000 में, ठीक है, आपका एडमिशन 90,000 रुपए में हुआ था, उनको अगर अगला बंदा कोई 1,30,000 दे देगा ना तो वो आपके एडमिशन को कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि आपकी तरफ से अगर कोई आपने ऐसी कमी निकाल दी ना,
आए तो टाइम पे फीस जमा नहीं करवाई या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, आप उनको सिर्फ बहाना चाहिएगा वहाँ पे क्या चाहिएगा, उनको सिर्फ बहाना चाहिएगा कि आपकी ये कमी है इसलिए हमें एडमिशन कैंसिल कर दिया है। तो आपको प्लीज़ ऐसा उनको मौका नहीं देना है कि आपकी वजह से उनको एडमिशन कैंसिल करना पड़े, क्योंकि वो सिर्फ बहाना ढूंढते, एक मौका ढूंढते बच्चे के पास में कि एक मौका ऐसा दे हमें, हम इसके एडमिशन को कैंसिल करने का बहाना लें और हमें 130,000 जो स्टूडेंट दे रहा है ना एडमिशन में उसका एडमिशन लेना होगा। क्योंकि भाई इस चीज़ को आप भी जानते हो, कहाँ तो आप 90,000 दे रहे हो, कहाँ अगला बंदा 130 दे रहा है तो उसको 40,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है ना, तो वो तो आपका एडमिशन कैंसिल करेगा, आपका फ्यूचर को नहीं देखेगा वो कॉलेज वाला। तो ऐसा होता है अक्सर प्राइवेट कॉलेजों में। तो प्लीज़ आपका जहाँ पे भी एडमिशन हो गया है वहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर रहने दो, बट ये ज़रूर देख लेना आपने एडमिशन ले लिया तो INC से अप्रूव कॉलेज है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ले लेनी होगी। बाकी आपका जहाँ पे भी एडमिशन है वहाँ पे सिक्योर है, आप डोंट वरी रहो, ना ही तो आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और भाई ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉलेज वाले इन्फॉर्म कर देंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करते रहना। क्योंकि होता है कभी कभी कॉलेज स्तर पर भी आपके फॉर्म वगैरह, आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया लेकिन कभी कभी क्या कॉलेज वाले भी इन्फॉर्म कर देते हैं भाई आपको फॉर्म भरना होगा तभी जाके आपका एडमिशन है वो फिक्स हो पाएगा। तो आप कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लेते रहना, वहाँ कॉलेज वाले जो फॉर्म के लिए बोलते हैं क्या करवाते हैं उनके अकॉर्डिंग आप करते रहना, ठीक है। ये तो बात हो गई प्राइवेट कॉलेज वालों की। अब चलते हैं भाई जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनको क्या करना होगा। जिनने एडमिशन ले लिया उनकी तो बात हो गई, उनका एडमिशन सिक्योर है, कॉलेज वाले जैसे उनसे इन्फॉर्मेशन जैसे वो करवाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग कर ले। अब बात आती है सर जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो क्या करें। भाई जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनको क्या करना होगा, उनको सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स, आपने अगर एडमिशन नहीं लिया है तो आप एक बार कॉलेज में जाकर बात कीजिए, वहाँ पे आपको क्या फ़ीस बताते हैं, कितनी आपको क्या बताते हैं फ़ीस, प्लस में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, कितनी आपकी स्टडी है, रिजल्ट कैसा है कॉलेज का, आप सारी चीज़ें देखो वहाँ पे कॉलेज INC से अप्रूवल है। भाई बात करने में कौन सा आपका पैसा लग रहा है बताओ, मेरे को बताओ आप बात करने में आपको कौन सा पैसा लग रहा है। आप कॉलेज जाओ, अगर आप दूर नहीं जा सकते हो आपके नज़दीकी कॉलेज में जाओ, वहाँ जाके आप बात करके तो आओ एक बार भाई, इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी आपको, बात करने से पता तो चलेगा भाई क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अगर एक कॉलेज में बात नहीं बन रही है तो आप दूसरे कॉलेज में बात करो, फिर उनको कंपेयर करो भाई कितना डिफरेंस आ रहा है, किस चीज़ में डिफरेंस आ रहा है, फीस में डिफरेंस आ रहा है, पढ़ाई में डिफरेंस आ रहा है, किस में क्या चीज़ अच्छी है, क्या डिफरेंस आ रहा है, आपको वो चीज़ देखनी होगी। आप एक बार प्राइवेट कॉलेज में जाकर बात कीजिए। अब संभावना हो रही है आपकी क्या है, फॉर्म प्राइवेट कॉलेज में भी मेरिट बेस पे आने की, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में भी फॉर्म कैसे मेरिट बेस पे आने की, लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा इनमें फॉर्म आने में, और जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं तुरंत आपके पास में अपडेट पहुँचाने का काम करूँगा। फॉर्म आने की संभावना हो रही है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 130,000 रुपये फीस एक स्टूडेंट से, 1,00,000 रुपए फीस, सर इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि 130 वही बहुत होता है, पैसा बहुत होता है 130, ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिए। अगर आपको GNM भाई जिस स्टूडेंट को, तो भाई GNM मेरे को इसी साल करनी है तो वो एडमिशन ले लीजिए, जिसको भाई ज़रूरी है मेरे को तो एडमिशन करनी ही है। अब भाई जब फॉर्म आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाते हो, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट एडमिशन, तो प्लीज़ वेट कीजिए, अभी फॉर्म आते हैं क्या अपडेट आती है मैंने आपको बता दिया। वैसे आपके अभी वीडियो डाला है मैंने आपके 1 अगस्त से आपके, और कब तक 30 सितंबर तक आपके एडमिशन्स चालू रहेंगे, ठीक है, आपके एडमिशन्स चालू रहेंगे। अब यहाँ पे INC के थ्रू तो 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट होना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वाले कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। आप बात कीजिए एक बार कॉलेज में जाकर आपको क्या करना होगा, ठीक है, और आपके जब भी जो भी अपडेट आएगी, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है भाई जो वेट कर रहे हैं, तो जो भी अपडेट आएगी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ABBMU यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो भी अपडेट आएगी, मैं तुरंत सबसे पहले आप तक पहुँचाने का काम करूँगा, ठीक है। यह इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स आप तक पहुँचाने वाला था। बहुत से बच्चे बोल रहे थे मेरे पास प्राइवेट कॉलेजों को, सर हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आप बस कॉलेज में इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, उनके कॉन्टैक्ट में रहिए, उनसे अगर कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे आप, टाइम पर फीस जमा नहीं कराओगे तो वो एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो आपको टाइम पर सारे काम करने होंगे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देनी होगी, ठीक है।
ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, और भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही मेरे पास में आएगी तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप तक तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है भाई, एक बार कॉलेज में जाकर बात कीजिए वो क्या बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके फॉर्म आते हैं तो अगर कोई नोटिस आता है भाई प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन्स कैसे होंगे उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं तुरंत आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं तुरंत वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन आते ही मैं टेलीग्राम चैनल पर आपका नोटिस डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, मैं इसके लास्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी टेंथ की भाई साइंस की बुक परचेज नहीं की है वो परचेज कर सकते हो। लास्ट के तीन दिनों में 50+ हो चुकी है परचेजिंग संख्या, कितने 50 से अधिक लोगों ने खरीद ली है। जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हो बुक वो परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत से जगह पे देखिए बहुत सी जगह पे है ना कॉलेज स्तर पर भी आपके साइंस के या फिर कैसे भी क्वेश्चंस रख देते हैं और आपके कॉलेज स्तर पर भी मेरिट बना रहे, बहुत सी जगह पे एग्जाम्स भी ले रहे हैं ना। तो इसमें जो टेंथ का जो लेवल रखा गया है ना भाई साइंस की बुक में, भाई 50 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, कल 50 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमने प्राइस आपके लिए यही रखी है, ठीक है। हमने प्राइस आपके लिए 61 रुपये ही रखी है, 2 दिन के लिए ऑफर आपका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 2 दिन के लिए आपका ऑफर बढ़ा दिया गया है, तो आप अगर परचेज करना चाहते हो साइंस की बुक तो आप परचेज कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ने परचेज कर ली है और स्टूडेंट्स का रिव्यू आ रहा है, बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही ट्रस्टेड बुक है साइंस की। अगर आप भी अगर कोई टेंथ लेवल की अगर कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो जिसमें साइंस के MCQs आते हो, टेंथ लेवल के अगर साइंस के MCQs चाहिए तो हमारी बुक आप परचेज कर सकते हो, जिसमें 1900+ टेंथ के MCQs होंगे ओनली फॉर साइंस के चैप्टर वाइज, ठीक है। 1 चैप्टर से आपके 100+ MCQs इसमें लिए गए हैं। आप अगर परचेज करना चाहते हो तो आपको UPI नंबर मैंने मेंशन कर रखा है, इन पे पेमेंट कर आप बैंकिंग नेम देख लेना, आप कोई भी UPI से पेमेंट करके आप व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपके यही रहेंगे 9982260656, ठीक है, आपको बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, चलते हैं फिर, करते हैं वीडियो को स्टॉप, बाकी हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट कमेंट की वीडियो पर। भाई हमारी वीडियो आती है बच्चों के कमेंट्स देखकर, बच्चों के डाउट्स देखकर, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट कमेंट की वीडियो पर, आप लोगों का जो भी कमेंट होगा आपके उस टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी को नमस्कार।